हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ का जो चैप्टर सेकंड है मैथ में, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक में भी ये चैप्टर सेकंड है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इसके जो एमसीक्यूज है, जो कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके पीछे एमसीक्यूज है, तो उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये जो सिक्स इनवर्स फंक्शन है ना, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू आप याद रख लेना काम की है, ठीक है। पहली वाली माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इन ओपन इंटरवल, ये तो होती है टेन इनवर्स एक्स की, ठीक है। जीरो टू पाई क्लोज्ड इंटरवल, अगर इतनी ही बोली जाए तो ये होती है कोस इनवर्स एक्स की, ठीक है। और अगर उसमें से पाई बाई टू को हटा दे, इस इंटरवल में से पाई बाई टू को माइनस कर दे, मतलब पाई बाई टू को छोड़ दे, बाकी सारी वैल्यू ले ले, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू बनती है सेक इनवर्स एक्स की, ठीक है। माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू क्लोज्ड इंटरवल में, ये होती है साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है। अच्छा, कोट इनवर्स एक्स की होती है जीरो टू पाई इन ओपन इंटरवल, कोस की तो क्लोज में और कोट की ओपन इंटरवल में, ठीक है। माइनस पाई बाई टू कर दिया तो sec इनवर्स x की बन जाएगी, tan की आपको दे रखी है, sin की आपको दे रखी है, अब बचा क्या, एक ही तो बचा cos इनवर्स, ठीक है, वो क्या, ये वाली माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू जो साइन वाली है ना क्लोज इंटरवल में, उसमें से छोड़ दो किसको, जीरो को, क्योंकि जिनको छोड़ रहे ना इसका मतलब है कि इन पर वो वैल्यू नो डिफाइन है, इसलिए इनको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू विदाउट जीरो, ठीक है, जीरो को छोड़ के। सेकेंड देखो, कोस साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है इसने, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अंदर वाले को बाहर वाले की फॉर्म में चेंज कर लो, मतलब साइन इनवर्स है तो बाहर कौन है, कोस है, तो इसको कोस इनवर्स में चेंज कर लो, या फिर इसको इसकी फॉर्मेट में ले आओ, मतलब कोस है अंदर साइन इनवर्स है तो इसको साइन में चेंज कर लो, साइन साइन इनवर्स हट जाएगा या कोस कोस इनवर्स हट जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इसकी फॉर्म में लेके आ रहा हूं और इसको इसकी फॉर्म में भी, दोनों तरीके से बता रहा हूं। तो पहले मैं कोस को साइन में चेंज करता हूं, अंदर वाले को नहीं छेड़ रहा मैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, ये क्या कोस एक्स, कोस एक्स क्या होता है, साइन की फॉर्म में रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखा मैंने कोस साइन इनवर्स एक्स, हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो इसको एक्स मान लो, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, क्या लिखूं, रूट वन माइनस कोस एक्स क्या होता है, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स क्या था, ये जो अंदर है ना कोस का एंगल, वो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। रूट वन माइनस इस स्क्वायर को मैं इस फॉर्मेट से लिख, इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, साइन साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, साइन साइन इनवर्स हट गई, कट गई नहीं, हट गई, बचा क्या, ओनली एक्स, क्या आया, रूट वन माइनस, अंदर एक्स बचा उसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब बात करूं मैं सेकंड मेथड की, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब इसको मैंने चेंज कर दिया, सॉरी इसको चेंज किया था, अब की बार मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो कोस साइन इनवर्स एक्स, देखो दो कोस एज इट इज, यहां पे देखो साइन इनवर्स एक्स आपको दे रखा है, अगर इनवर्स वाले को चेंज करना होता है ना तो उसको आप थीटा की इक्वलेट कर लिया करो। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगी, साइन थीटा, एक्स क्या आ गया, साइन थीटा, अपॉन इक्वलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, साइन थीटा अगर एक्स है तो कोस थीटा क्या आएगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अपॉन इक्वलेट कर लिया करो। और उसके बाद देखो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, पी और एच के रेशियो को, पी अपॉन एच को, ठीक है। पी है आपके पास एक्स, एच है आपके पास वन, तो बी क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, भी आ गया आपके पास। लेकिन मेरे को तो कोस थीटा में चेंज करना है ना, इसको साइन को कोस में चेंज करना है, कोस इनवर्स एक्स में, है ना। तो कोस थीटा निकालो पहले, कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, बी क्या है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, एच क्या है, वन है, ठीक है। लेकिन मेरे को तो कोस इनवर्स में निकालना है ना, तो थीटा निकाल लो, थीटा क्या आएगा, कोस इनवर्स, ये इधर आके इनवर्स हो जाएगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोस और साइन इनवर्स एक्स क्या था, थीटा, ये क्या है, कोस अंदर क्या है, थीटा है, इसको मैंने थीटा लेट किया, है ना। तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कोस से कोस इनवर्स हट गया, क्या बचा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जैसा आपको उचित लगे, या तो बाहर वाले को चेंज कर लो या अंदर वाले को चेंज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें देखो साइन वन अपॉन टू कोस इनवर्स फोर अपॉन फाइव, ये 40 नहीं है, इनवर्स है, कोस इनवर्स फोर अपॉन फाइव, इसकी वैल्यू इन चार ऑप्शन में से क्या होगी, देखो दो, अंदर थोड़ा उड़पटांग से ना, इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, लेट वन अपॉन टू कोस इनवर्स फोर अपॉन फाइव इक्वल एक्स, ठीक है। अब यहां से कोस इनवर्स फोर अपॉन फाइव क्या आएगा, ये टू इधर आ गया, टू एक्स, ठीक है। फोर अपॉन फाइव इक्वल, ये कोस इनवर्स इधर आके कोस में चेंज हो जाएगा, कोस टू एक्स, ठीक है। और यहां पे क्या है, साइन है, है ना। तो साइन और इस पूरे सिस्टम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको साइन में चेंज कर ले, कोस टू एक्स क्या होता है, वन माइनस टू साइन साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स, और ये उधर हो गया वन माइनस कोस टू एक्स, ठीक है।
टू को अपॉन में भेज दो, चलो बाद में भेज देंगे, ये टू रहने दो, टू साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स क्या मेरे पास, फोर अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव, ठीक है, सोल्व करो इसको, फाइव माइनस फोर वन अपॉन फाइव, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, के टू अपॉन में आ गया, यानी वन अपॉन टेन, तो साइन निकालो, वन अपॉन रूट टेन प्लस माइनस, है ना। अब देखो साइन और एक्स है मेरे पास, मेरे को फाइंड क्या करना था, साइन और ये पूरा सिस्टम, इसी को तो मैंने एक्स सेलेक्ट किया था, मतलब मेरे को साइन एक्स ही तो फाइंड करना था, तो साइन एक्स क्या आया, प्लस माइनस रूट वन अपॉन टेन आ रहा है ना। अब प्लस माइनस रूट वन अपॉन टेन का मतलब क्या, माइनस में तो आपको ऑप्शन भी नहीं मिल रहा, तो बच्चा क्या वन अपॉन रूट टेन प्लस का, तो बस हो गया। नेक्स्ट देखो, हाँ अब देखो जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ना, उसमें मैंने क्या बताया था कि या तो अंदर वाले को चेंज कर लो या बाहर वाले को चेंज कर लो, है ना, तो उसमें तो बाहर वाला भी चेंज हो गया था क्योंकि साइन और कोस ही तो था, और इसमें चेंज तो हो जाएगा, साइन कोट की फॉर्म में आएगा, टेंथ क्लास में आपने पढ़ा था 8.4 में पहला क्वेश्चन था जो साइन को बाकी जो टी रेशियोज थे उनकी फॉर्मेट में लेके आने के लिए बोल रहा था ना, ऐसे ही सब भी एक टी रेशियोज को बाकी पांच छह टी रेशियोज को मतलब एक की फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी हमको ड्राइव करनी होगी, तो उससे बेटर रहेगा कि हम इन्हीं को चेंज कर दें। तो अंदर वाले जो इनवर्स वाले होते हैं उनको चेंज कैसे करते हैं, इसको थीटा के इक्वल लेट करके, तो कोट इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स एक्स को मैंने थीटा लेट किया, तो यहां से एक्स क्या आ गया, कोट थीटा, अपॉन में लेट कर सकते हैं, कोट किसको रिप्रेजेंट करता है, बी अपॉन पी को, ठीक है, क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, होता क्या है, रूट एच स्क्वायर प्लस सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर, एच आ गया, बी है मेरे पास एक्स, पी है मेरे पास वन, ठीक है, चाहिए क्या मेरे को, अंदर वाले को साइन में चेंज करना है क्योंकि बाहर साइन है ना, साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो यहां से साइन थीटा निकाल लो आप, कोट थीटा आ गया आपके पास, साइन थीटा निकाल लो, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, पी क्या मेरे पास, पी है मेरे पास वन अपॉन एच, एच क्या है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब यहां से थीटा निकाल लो, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स और ये पूरा सिस्टम वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब इस थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये थीटा क्या है, कोट इनवर्स एक्स, ये नहीं यहां पे, तो साइन थीटा फाइंड करना आपको, फिर साइन इसको थीटा लिखा ना, साइन थीटा फाइंड करना, ये आता गया साइन थीटा, क्यों पछ रहे हो, देखो वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ना, हमको क्या फाइंड करना था, साइन, और इसका तो मैंने थीटा लेट किया, तो साइन थीटा क्या है, यही तो है, ठीक है, फिफ्थ को देखो, साइन इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई, तब वाई की वैल्यू क्या होगी इनमें से, है ना, वाई और एक्स ये रखे है, वाई एक्स की इक्वल वगैरह ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास कंडीशन, ताकि वाई और एक्स में रिलेशन निकाले, लेकिन ये कंफर्म है कि जो वाई है ना वो साइन इनवर्स एक्स की इक्वल है, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वही वाई की होगी, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां होती है, माइनस वन टू सॉरी माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू, साइन इनवर्स वन की बात कर रही है ना, तो साइन इनवर्स एक्स जो है ना, साइन इनवर्स एक्स उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर टेन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उसको देखो, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर सेक इनवर्स टू, देखो अगर मैं इन दोनों को सेम कर लूं, या तो 10 को sec में या sec को 10 में, तो काम बन जाए ऐसे इनको, लेकिन इनकी तो आइडेंटिटी होती है ना, 10 को sec में चेंज कर सकते हैं, cot को cosec में, क्या होता है 10 स्क्वायर यहां पे ना, तो 10 स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस वन, तो इसको क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x के बदले जो भी है sec इनवर्स 2 माइनस वन, टेन स्क्वायर एक्स मान के क्या, मैंने टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस वन, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है ना, प्लस ऐसे ये कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स के बदले क्या है, अंदर वाला कोसेक इनवर्स थ्री और माइनस वन, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं सेक सेक इनवर्स टू होल स्क्वायर, इस स्क्वायर वाले को, ठीक है, माइनस वन एज इट इज, प्लस ऐसे इसको लिखूंगा कोसेक कोसेक इनवर्स थ्री होल स्क्वायर और माइनस वन, sec इनवर्स हट गया, टू स्क्वायर फोर, फोर माइनस वन थ्री, ये भी हट गया, थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस वन एट, आंसर क्या इलेवन, डी ऑप्शन राइट। इसमें देखो sec और टेन रिलेशन है, ठीक है, रूट में आ जाएगा कोई बात नहीं, देखो sec x मान के करो आप, ठीक है, sec स्क्वायर x क्या था, रूट sec स्क्वायर x, वन प्लस टेन स्क्वायर x क्या था, वन प्लस टेन स्क्वायर x, यहां पे स्क्वायर नहीं है तो रूट आ जाएगा, तो इसको क्या लिखूं मैं, रूट वन प्लस टेन स्क्वायर x, ये ब्रैकेट वाला टेन इनवर्स y अपॉन थ्री, ठीक है, अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, इसी की तरह वन प्लस क्या लिखे इसको, टेन टेन इनवर्स y अपॉन थ्री होल स्क्वायर, और रूट था रूट लगा दो, ठीक है, वन प्लस टेन से टेन इनवर्स हट गया, y अपॉन थ्री होल स्क्वायर, यानी y स्क्वायर अपॉन नाइन, और नहीं ऊपर था रूट, अब सोल्व करो, तो नाइन प्लस y स्क्वायर
और रूट नाइन नीचे 12 आएगा तो 3, चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 9 प्लस वाई स्क्वायर और नीचे 3, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस -680 डिग्री, डिग्री में आपकी बार, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम कि इस माइनस को खत्म करो, है ना। और माइनस कैसे खत्म होगा, देखो कोस माइनस थीटा है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, ओनली कोस थीटा। तो इसको लिखा मैंने कोस इनवर्स कोस 680 डिग्री, ठीक है, माइनस की कहानी खत्म। अच्छा, अब इसको रेडियन में चेंज कर लो, ये किसके पास है वैसे, 720 से 40 कम है ना, ठीक है। तो इसको मैंने वही लिखा कोस इनवर्स कोस 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब देखो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर कोस इनवर्स और कोस हट जाते हैं तो आंसर आ गया 680, और इसको रेडियन में चेंज कर लो, है ना। क्या पता ऑप्शन आए ना आए, ना आए तो नोट दबा देंगे, है ना, खत्म कहानी। लेकिन लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये जो आप वैल्यू लेते हो ना कोस से कोस इनवर्स हटता है तो अंदर वाली वैल्यू, जो अंदर वाली वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कौन है, कोस है ना, तो कोस में कोस इनवर्स में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस सॉरी 0 to π/2, जीरो भी शामिल है और 0 to π, मैंने π/2 बोल दिया, मिस्टेक हो गई मेरे से, 0 to π किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में, यानी जीरो भी शामिल है पाई भी शामिल है, ठीक है। अब जीरो से पाई के बीच होनी चाहिए, और जब आप इसको देखोगे तो ये 3π प्लस जा रहे हैं, है ना, यानी पाई से 3π पे पहुंच गया, तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर हो गया, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लेके आएंगे, तो उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये रेडियन में चेंज कर लो, कोस इनवर्स कोस, देखो ये क्या है 4π, 2π होता है 360, 4π होता है 720 माइनस, अब इसको भी रेडियन में चेंज करो, ये 40 डिग्री है, रेडियन में कैसे चेंज करें, पाई अपॉन 180 करके, ठीक है, जीरो कैंसिल, 2 जा 9 जा, यानी 2π/9, तो इसको लिखा मैंने 2π/9 किसको, 40 डिग्री को, ठीक है। अब देखो खेल कुछ अलग ही खेल तरीके से खेला जाएगा, कोस 4π माइनस थीटा, कोस 2π माइनस थीटा, 4π माइनस थीटा, 6π माइनस थीटा, यानी इवन पाई, मतलब पाई का जो मल्टीपल है वो इवन होना चाहिए, उसमें से माइनस थीटा करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस ऑलरेडी बैठा है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे कोस 4π माइनस थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा, कोस इनवर्स कोस 2π/9 बन गया, कोस 4π माइनस थीटा, ठीक है, कैसे ट्रीट करेगा, 2π माइनस थीटा की तरह, तो ये बन गया कोस 2π/9, ठीक है, कोस 2π माइनस थीटा मान के मैंने सोल्व किया, कोस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, थीटा हमारे पास ये था। अब कोस से कोस इनवर्स हटा दो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग कर रही है, 0 to π में है, ठीक है। तो आंसर क्या है, 2π/9, चेक करो ए ऑप्शन। इसमें तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली, क्या होती है, मैं लिख देता हूं यहां पे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारे पास, इसमें चेंज कर लो, 10 के दो ऑप्शन है, 1/2 आगे नहीं आना चाहिए, ये बचा तो बस ये आंसर आना चाहिए, देखो कैसे आएगा, 10 इनवर्स x प्लस वाई, दोनों को प्लस करो, 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/4 इंटू 2/9, 10 इनवर्स एलसीएम क्या रहे, 36, 4 9 जा और 9 4 जा 2 4 जा 8, नीचे 36 माइनस 2 34 और नीचे 36 कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स ऊपर 9 प्लस 8 17 और नीचे क्या 34, ये 1 जा ये 2 जा, यानी 10 इनवर्स 1/2, डी ऑप्शन राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि कोस इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स से बड़ा हो तो एक्स की वैल्यू कौन से इंटरवल से बिलोंग करेगी। देखो कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स बड़ा बता रखा है साइन इनवर्स एक्स से, ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लो, या तो साइन को कोस में या कोस को साइन में। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है ना, तो इसको अगर मैं चेंज करूं तो क्या लिखूं, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो वही लिखा है मैंने यहां पे, और ये एज इट इज साइन इनवर्स एक्स। अब ये माइनस का है, ठीक है, इसको हटाना है, कब हटेगा, इनइक्वालिटी है तो बोथ साइड आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस करना होगा, लेफ्ट साइड अगर मैं प्लस करता हूं तो हट गया, और इधर एक तो पहले से है और एक और प्लस करूंगा तो दो हो गए ना, 2 sin inverse x। अब धीरे धीरे करके 2 को और sin inverse को हटा लो ताकि x अकेला बचा रह जाए, है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड 2 से डिवाइड, तो ये बन गया पाई अपॉन 4, और इधर 2 से डिवाइड करने पे बना sin inverse x। अब sin inverse कैसे हटेगा, जब मैं sin अप्लाई करूं तो बोथ साइड sin अप्लाई करूं, यानी sin पाई बाई 4 ग्रेटर देन x, क्योंकि यहां पे sin अप्लाई करेंगे तो sin inverse उसको हटा देगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है साइन पाई बाई 4 की, 1/√2, नीचे दिख तो रहे ना, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x की वैल्यू है ना 1/√2 से छोटी है, जो x है वो 1/√2 से छोटा, लेकिन बड़ा किससे,
क्या है यहां पे साइन इनवर्स, उसकी जो डोमेन होती है वो क्या थी, माइनस वन से प्लस वन, ठीक है, क्लोज इंटरवेल में माइनस वन से प्लस वन, इसमें बिलोंग करता है साइन एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन थी साइन इनवर्स एक्स की। तो एक्स से बोल रहा है यहां पे जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो एक से हमेशा एक इक्वल या उससे छोटा होगा, और यहां पे क्या बता रहा है, एक्स की वैल्यू वन अपॉन रूट टू से छोटी है, मतलब इससे बड़ी नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस वन, मिनिमम के बारे में ये रिजल्ट नहीं दे रहा, ठीक है, मैक्सिमम के बारे में बता रहा है कि एक्स की वैल्यू ज्यादा ज्यादा वन अपॉन रूट टू से जस्ट पीछे वाली होगी, मतलब वन अपॉन रूट टू से छोटी होगी, उससे आगे तो यही नहीं है, उससे आगे तो बहुत दूर की बात है ना, तो छोटी किससे मतलब बड़ी किससे होगी फिर, माइनस वन से, जो इसकी लोअर लिमिट है वो लेंगे, यानी जो एक्स है वो माइनस वन या उससे बड़ा और वन अपॉन रूट टू से छोटा होगा। अब ये ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जीरो नहीं, माइनस वन, हाँ बिल्कुल, वन अपॉन रूट टू शामिल नहीं है, ध्यान रखना वन अपॉन रूट टू शामिल नहीं है इसमें भी, तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें देखो क्या बोल रखा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई कोस इनवर्स एक्स, अगर पाई बाई सिक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू रिजल्ट देता है, तो इसको मैं क्या लिखूं, पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स को, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू थे, माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू ये बन गया माइनस टू कोस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई सिक्स, अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा टू कोस इनवर्स एक्स, सोल्व करो ये क्या 90, ये क्या 30, 90 माइनस 30 60, 60 यानी पाई बाई थ्री, इधर क्या टू कोस इनवर्स एक्स, अब इस टू को इधर ले आओ तो पाई बाई सिक्स बन जाएगा वापस इक्वल कोस इनवर्स एक्स, अब एक्स फाइंड कर लो तो इधर आएगा तो ये कोस पाई बाई सिक्स बन जाएगा, यानी कोस 30, और कोस 30 क्या रूट थ्री अपॉन टू, चेक करो ऑप्शन रूट थ्री अपॉन टू, बी ऑप्शन इज राइट। 12th देखो, 12th में ये भी ऐसा ही है, यहां से एक साइन इनवर्स एक्स निकाल लो, सॉरी एक कोस इनवर्स एक्स, ताकि साइन इनवर्स एक्स के साथ मिलकर पाई बाई टू बना ले, यानी थ्री कोस इनवर्स एक्स, एक कोस इनवर्स एक्स निकाल दिया मैंने, कोस इनवर्स एक्स यहां से एक निकल के आया प्लस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू, और इधर है पाई, थ्री कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, इधर आके माइनस होएगा तो पाई बाई टू ही तो बचेगा, ठीक है, अब ये थ्री से डिवाइड कर दो, कोस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई सिक्स, अब एक्स फाइंड कर लो तो ये बन गया कोस पाई बाई सिक्स, कोस पाई बाई सिक्स वही वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू, तो इसमें भी रूट थ्री अपॉन टू सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो 13th क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 13th क्वेश्चन में आपको बोल रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई टू बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री हो तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई क्या होगा, देखो इसमें कमियां हैं, अगर इसके साइन इनवर्स एक्स के साथ इसका जोड़ीदार कोस इनवर्स एक्स आ जाए, साइन इनवर्स वाई के साथ इसका कोस इनवर्स वाई आ जाए तो बात ही कुछ दूसरी हो जाए ना, करते हैं तो इनकी भी मन की पूर्ति, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स वाई के साथ में ले आया इसका कोस इनवर्स वाई, ठीक है, इधर क्या था 2 पाई बाई 3, अच्छा अब देखो मैंने इधर दो टर्म ऐड किए, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, लेफ्ट साइड मैंने ऐड किया ना, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड भी प्लस कर दूं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, अब देखो ये पाई बाई 2 और ये भी पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 पाई बाई 3, उधर क्या बचा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसी के तो वैल्यू हमको चाहिए थी, और ये आएगी क्या सोल्व कर लो 3 पाई माइनस 2 पाई पाई बाई 3, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन राइट होगा पाई बाई 3, ओके। अच्छा अब देखो 14th में देखो बाहर 10 है अंदर 10 इनवर्स प्लस ये कोस इनवर्स क्या कर रहा है, इसको भी 10 में चेंज कर लेना 10 इनवर्स में, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, जो भी आएगा 10 इनवर्स में आएगा, अंदर बाहर 10 है उसको एलिमिनेट कर देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो इस कोस इनवर्स को 10 में चेंज करना होगा 10 इनवर्स में, देखो तो इनवर्स वाले को कैसे चेंज करते हैं, इसको थीटा की इक्वल ऐड कर लो, कोस इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल थीटा, तो यहां से 3 अपॉन 5 क्या आया कोस थीटा, कोस क्या होता है बी अपॉन एच, ठीक है, बी है 3 एच है 5 तो पी क्या आएगा 4 रूट 16 बार आएगा तो 4, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, अब पी आ गया आपके पास तो यहां से टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा क्या होगा पी अपॉन बी यानी 4 अपॉन 3, यहां कोस इनवर्स 3 अपॉन 5 को थीटा लिखा था, ठीक है, और यहां से थीटा क्या आएगा, थीटा यहां से आएगा टेन इनवर्स 4 अपॉन 3, टेन इनवर्स 4 अपॉन 3, ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है थीटा के इक्वल, और थीटा क्या हमारे पास टेन इनवर्स 4 अपॉन 3, तो ये वैल्यू क्या है टेन इनवर्स 4 अपॉन 3 है, तो यहां पे मैं क्या लिखूं टेन इनवर्स 4 अपॉन 3, टेन इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 4, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बाहर है टेन
इसको छेड़ो मत, अंदर वाले को छोड़ो मत। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 4 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 अपॉन 12। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो स्पेस। ठीक है, बाहर है 10, अंदर है 10 इनवर्स, और मिलेगा क्या, एलसीएम 12, 4 4 16 प्लस 3 19, नीचे 12 और नीचे 12 माइनस 4 8 अपॉन 12। ठीक है, ये 12 कैंसिल, 19 अपॉन 8 ये भी हट गया, आंसर आया 19 अपॉन 8। चेक करो, ए ऑप्शन राइट। तो ये जो एमसीक्यूज थे ये कंप्लीट होते हैं।